कोरोना वायरस का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दुनिया भर में एक बार फिर से इसका खतरा लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। बढ़ते खतरे को देखते हुए कई देशों ने नाइट कर्फ्यू लगाया, तो इटली ने पूरे देश को संपूर्ण लॉक कर दिया। इतना ही नहीं, बाकी के देश भी सख्ते में है और इस पर विचार करने में लगे हुए हैं। दिन ब दिन बढ़ते कोरोना के आंकड़े डरा रहे हैं। हालात फिर से भयावह होते जा रहे हैं। तस्वीर 2020 जैसी ही उभरने लगी है। हर दिन कोरोना के आंकड़े दो गुना से बढ़कर तीन गुना हो रहे हैं। दुनिया भर में पिछले 24 घंटे में लाखों कोरोना संक्रमित मामले दर्ज किए गए हैं। तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए कई देश दोबारा लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं, तो कई इस पर विचार कर रहे हैं। कोरोना वर्ल्डोमीटर के मुताबिक पिछले 24 घंटे के आंकड़े आपको दिखाते हैं जो खतरे की घंटी बजा रहे हैं। ब्राजील में 24 घंटे में 84,000 से अधिक ताजा मामले दर्ज हुए हैं, तो वहीं 2700 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। तो अमेरिका में भी 52,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। फ्रांस में भी कोरोना की दूसरी लहर नजर आ रही है और यहां भी पिछले 24 घंटे में करीब 30,000 नए संक्रमित मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में भारत में भी कोरोना के 28,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। सख्त लॉकडाउन के बाद भी पिछले साल कोरोना का एपिक सेंटर रहे इटली में कोरोना के 20,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में अब तक संक्रमितों का आंकड़ा 12 करोड़ के पार पहुंच गया है, तो वहीं 26 लाख से ज्यादा लोग इस वायरस से जान गंवा चुके हैं। वहीं आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार कोरोना की दूसरी लहर के पीछे कहीं लापरवाही और ढिलाई तो नहीं। वहीं अगर कोरोना के संक्रमण की रफ्तार जल्द कंट्रोल में नहीं आई, तो हालात और तस्वीर पिछले साल मार्च जैसी होना तय है। आज तक ब्यूरो।